की गंदी सोच के कारण ही भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन होते समय दो संस्कृतियों के आधार पर ही भारत बना, एक देश पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, और इधर भारत भी बना, लेकिन बुजदिल नेहरू के नेतृत्व के कारण, बुजदिल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कारण और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों के, भ्रष्ट कांग्रेसियों के इस कांग्रेस में रहने के कारण, देशद्रोही मानसिकता के नेताओं के रहने के कारण जो है भारत उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, नहीं तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यदि उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, जोगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। मैं तो दिग्विजय सिंह के इस बातों को मुझे तरस आ रहा है, यदि तुमको, यदि वास्तव में अपने नाम के आगे टाइटल सिंह लिखते हो तो सिंह लिखने वाले दिग्विजय कम से कम सिंह के ऊपर कालिक पोत दो, और इस तरह की बात यदि तुमको बोलना है, धारा 370 हटा करके हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भारत के प्रतिष्ठा को, हिंदुत्व के प्रतिष्ठा को और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, और उसको तुम कलंकित करने का यदि काम करते हो तो तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान पाकिस्तान में सुरक्षित है, और तुमको जो है आज ही मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनकी विदाई पाकिस्तान की धरती पर कर देना चाहिए। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेहरू परिवार के चलते जो भारत में उस समय जम्मू काश्मीर में बंटवारे के समय लाखों ब्राह्मणों को हत्या करके जिस समय भारत की धरती पर ही गुलाम बनना पड़ा, भारत की धरती पर ही विस्थापित होना पड़ा, यदि भारत की धरती में भी, स्वतंत्र भारत में और भारत की धरती पर भी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को अपने घर से भग करके दूसरे जगह कटोरा उठाना पड़े, उसके बाद भी कांग्रेसी कहते हैं कि हम कांग्रेस चलाते हैं, कांग्रेस चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के इस चिंतन पर मुझे लानत लगता है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उस समय इसके मुंह में, कांग्रेसियों के मुंह में बकार नहीं था, बोली नहीं थी कि जिस समय हिंदू वहां से जम्मू काश्मीर से भगाए जा रहे थे, उस समय इनका चिंतन क्या था? उस समय तुम्हारा चिंतन कहां था? उस समय नेहरू का चिंतन कहां था? उस समय इंदिरा जी का चिंतन कहां था? उस समय राहुल और सोनिया की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो विदेशी कल्चर के हैं सब, इसलिए इन सबों की तो बात पर बहुत बड़ा, लेकिन जो इंदिरा और नेहरू की भी मैं बात करता हूं, जब जम्मू काश्मीर से हिंदू पलायित हो रहे थे, मार करके भगाए जा रहे थे, उस समय तुम्हारा चिंतन राष्ट्रपति का कहां गया था? केवल वोट लेने के लिए? तो मुस्लिम परस्त भावना से राजनीति करने वाले लोगों, भारत की धरती पर मोदी और जोगी और अमित शाह जैसा महान व्यक्तित्व पैदा हो चुका है, और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के सपनों का भारत बनने ही वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उस शब्द पर मैं बल देता हूं, अब वो जमाना आने वाला है जब कोई ना कोई महान नेता अपने मुंह से घोषित करेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा।